दोस्तों, अगर आपने पिज्जा डिलीवरी और खूनी पिक पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख लें, वरना ये स्टोरी आपको समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि पिज्जा डिलीवरी करते वक्त बुल्ली और शॉन को रास्ते में खूनी पिक मिलता है और वो इन दोनों के पीछे पड़ जाता है। दोनों अपनी जान बचाकर भागते हैं और गैराज के अंदर घुस जाते हैं। बुल्ली जल्दी से गैराज का गेट बंद करता है। दोनों को लगता है मुसीबत अब टल चुकी है, खूनी पिक अब उन्हें नहीं ढूंढ पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। कुछ ही देर में खूनी पिक दोनों को ढूंढता हुआ गैराज तक पहुँच जाता है और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। खूनी पिक जैसे ही बुल्ली और शॉन की तरफ आगे बढ़ता है, बुल्ली फौरन उस पर हमला करके उसका मुंह तोड़ देता है। खूनी पिक जैसे ही पीछे हटता है, बुल्ली फौरन गैराज का गेट बंद कर देता है। खूनी पिक की इतनी बेइज्जती पहले कभी किसी ने नहीं की। बुल्ली को अब इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हो सकता है खूनी पिक शॉन को जिंदा छोड़ दे, लेकिन बुल्ली अब जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन ये क्या, ये गेट अब खुल क्यों नहीं रहा? थोड़ी देर पहले तो ये आसानी से खुल गया था। खूनी पिक यही सोच रहा था, लेकिन उसे नहीं पता कि बुल्ली और शॉन ने गेट को अंदर से पकड़ा हुआ है, क्योंकि दोनों इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। अगर खूनी पिक ने गेट खोल लिया तो इस बार वो दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। शॉन कहता है, बुल्ली लगता है हम खूनी पिक को अंदर आने से रोक नहीं पाएंगे। और लगता है शॉन की ये बात सच होने वाली है, क्योंकि खूनी पिक ने अब गेट तोड़ना शुरू कर दिया है। उधम चौकड़ी सुनकर घर का मालिक बाहर निकल आया और इधर उधर देखने लगा। उसे लगा ये काम बुल्ली और शॉन का है, इसलिए वो बड़बड़ाते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरा और कहने लगा, लगता है तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे, मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। लेकिन ये आदमी ये नहीं जानता कि ये काम बुल्ली और शॉन का नहीं है, और अब शायद ये कभी बुल्ली और शॉन को देख भी नहीं पाएगा, क्योंकि अब इसकी मौत का वक्त करीब आ चुका है। खूनी पिक ने इसे देख लिया है और ये इसकी जिंदगी की आखिरी रात है। खूनी पिक जैसे ही उस आदमी के पास पहुंचा, वो आदमी फौरन खूनी पिक की तरफ पलटा और कहने लगा, देखो तुम जो भी हो पतली गली से फौरन निकल लो, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा। ये सुनते ही खूनी पिक ने उस आदमी का फ्यूज उड़ा दिया। खूनी पिक ने उस आदमी को मार मार कर वहीं ठंडा कर दिया और अब ये आदमी कभी टाइटैनिक मूवी नहीं देख पाएगा। मौका पाकर बुल्ली और शॉन गैराज से बाहर निकले और जाकर कार के पीछे छुप गए, लेकिन खूनी पिक को इसकी भनक लग गई और वो फौरन पीछे पलटा, इधर उधर देखा और सीधे गैराज की तरफ जाने लगा। बुल्ली और शॉन कार के पीछे से छुप कर ये सब देख रहे होते हैं, लेकिन अभी वो यहाँ से भाग नहीं सकते, वरना खूनी पिक उन्हें देख लेगा। खूनी पिक ने जैसे ही गैराज खोला, उसका दिमाग खराब हो गया, क्योंकि गैराज खाली था। उसके दोनों शिकार वहाँ से भाग चुके थे। खूनी पिक कभी अपने शिकार को भागने नहीं देता। वो गैराज के अंदर आता है और चारों तरफ अपने शिकार को ढूंढना शुरू करता है। बुल्ली के दिमाग में एक आइडिया आया है, क्यों ना खूनी पिक को गैराज के अंदर ही बंद कर दिया जाए। बुल्ली फौरन ये बात शॉन से बताता है और कहता है, शॉन तुम्हें इस काम में मेरी मदद करनी होगी, मैं गैराज की तरफ जा रहा हूँ, तुम मेरे पीछे पीछे आओ। ये कहकर बुल्ली आगे जाने लगा। शॉन ने कहा, रुक जाओ बुल्ली, अगर खूनी पिक ने हमें देख लिया तो वो हमें मार डालेगा। लेकिन बुल्ली रिस्क लेते हुए आगे बढ़ता है और सही वक्त आने का इंतजार करता है और मौका मिलते ही गेट बंद कर देता है। गेट बंद होते ही शॉन बुल्ली के पास जाता है और गेट को मजबूती से पकड़ लेता है, ताकि खूनी पिक गेट खोलकर बाहर ना निकल सके। बुल्ली ने कहा, शॉन तुम इसे रहने दो, मैं इसे संभालता हूँ, तुम जाकर कुछ बड़े पत्थर ढूंढ कर लाओ, उसे हम गेट के आगे लगाकर यहाँ से भाग जाएंगे। शॉन ने कहा, बुल्ली फालतू की मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है, हमें सिर्फ पुराने पुल तक ही तो जाना है, वहाँ से हम अपना स्कूटर लेंगे और घर निकल जाएंगे। बुल्ली ने कहा, नहीं निकल पाएंगे शॉन, मेरी बात मानो, जैसे ही मैं यहाँ से हटूंगा खूनी पिक गेट खोलकर बाहर निकल आएगा। शॉन को बुल्ली की बात ठीक लगी और वो वहाँ से चला गया। आगे बढ़ते हुए शॉन ने देखा कि सामने कुछ छोटे बड़े पत्थर पड़े हुए। शॉन आगे जाकर बड़ा पत्थर उठाने लगता है, तभी बुल्ली शॉन से कहता है, शॉन जल्दी करो, मैं ज्यादा देर तक इसे रोक नहीं पाऊंगा। शॉन जल्दी जल्दी पत्थर लेकर आगे बढ़ता है और गेट के पास ले जाकर उसे रख देता है। बुल्ली कहता है, शॉन जाओ और पत्थर लेकर आओ, सिर्फ एक पत्थर से काम नहीं चलने वाला। शॉन फिर से पत्थर ढूंढने निकल जाता है। कुछ दूर आगे जाने के बाद शॉन को छोटे छोटे पत्थर दिखाई देते हैं, लेकिन शॉन को तो बड़ा पत्थर चाहिए। शॉन और आगे बढ़ता है तो बड़ी मुश्किल से उसे एक और बड़ा पत्थर मिल जाता है।
शॉन उसे उठाकर सीधे बुल्ली के पास जाता है और कहता है, बुल्ली ये पत्थर बड़ी मुश्किल से मुझे मिला है, अब यहाँ और कोई बड़ा पत्थर नहीं है, हमें कुछ और ढूंढना होगा। बुल्ली बुल्ली कहता है, शॉन तुम इस गेट को कस के पकड़ो, इसे खुलने मत देना, मैं कोई और बड़ी चीज ढूंढ कर लाता हूँ। और उसके बाद बुल्ली उठकर खड़ा हो गया और शॉन से बोला, थोड़ी सी लापरवाही हमारे लिए मुसीबत बन सकती है, इस बात का ध्यान रखना। और फिर बुल्ली वहाँ से चला गया। शॉन ने जहाँ से बड़ा पत्थर उठाया था, बुल्ली भी उसी जगह पत्थर लेने जाता है, लेकिन बुल्ली को वहाँ छोटे छोटे पत्थर पड़े हुए मिलते हैं और इतने छोटे पत्थर बुल्ली के किसी काम नहीं आने वाले। बुल्ली को कुछ बड़ा ढूंढना होगा और बुल्ली उसे ढूंढते हुए आगे बढ़ जाता है, लेकिन बुल्ली को ये काम जल्दी करना होगा, शॉन खूनी पिक को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएगा। बुल्ली इधर उधर देख रहा होता है, तभी शॉन कहता है, बुल्ली मेरे दिमाग में एक धांसू आइडिया आया है, उधर खड़ी हुई कार को देखो जरा, अगर तुम उस कार को खींच कर यहाँ तक ले आओ तो मैं गारंटी देता हूँ खूनी पिक कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। बुल्ली को शॉन का ये आइडिया पसंद आया। बुल्ली ने सोचा, हाँ अगर ये गाड़ी गैराज के आगे लगा दी जाए तो खूनी पिक आसानी से बाहर नहीं आ पाएगा। बुल्ली फौरन गाड़ी की तरफ आगे बढ़ता है और पास जाकर गाड़ी उठाकर देखता है। क्या बात है, बुल्ली ने गाड़ी उठा ली। बुल्ली गाड़ी को खींचते हुए गैराज तक ले जाने लगता है। बस एक बार ये गाड़ी गैराज के गेट तक पहुँच जाए, फिर बुल्ली और शॉन को खूनी पिक से कोई खतरा नहीं रहेगा और ये दोनों अपने घर चले जाएंगे। लेकिन ये क्या हुआ, गाड़ी फंस गई, बुल्ली गाड़ी खींच नहीं पा रहा। शॉन बोला, रहने दो बुल्ली, तुम्हारे बस की बात नहीं है गाड़ी खींचना। बुल्ली बोला, शॉन तुम देख रहे हो गाड़ी पीछे से फंस गई है, अब मैं गाड़ी को आगे से संभालूं या पीछे से। शॉन कहता है, लगता है मुझे कुछ करना पड़ेगा बुल्ली। बुल्ली बोला, ये काम मैं संभाल लूंगा शॉन, तुम अपना ध्यान उधर लगाओ, वरना अगर खूनी पिक बाहर आ गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। शॉन ने कहा, बुल्ली बस तुम देखते जाओ, ये काम मैं कितनी चालाकी से करूंगा, खूनी पिक को पता भी नहीं चलेगा। ये कहकर शॉन गाड़ी को पीछे से उठाने चला गया। शॉन तुम ये क्या कर रहे हो, कहीं हम मुसीबत में ना फंस जाएं, लेकिन शॉन नहीं माना। बुल्ली बोला, क्या कर रहे हो शॉन, उठाओ गाड़ी को जल्दी। और उसके बाद शॉन ने पहलवानी दिखाते हुए गाड़ी को उठा दिया और बुल्ली गाड़ी को आगे खींचने लगा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बुल्ली बोला, शॉन गाड़ी को और उठाना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं बनेगा, शॉन जल्दी करो, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। शॉन ने गाड़ी को और ऊपर उठाया तो बुल्ली गाड़ी खींचने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। शॉन को नहीं पता कि खूनी पिक बाहर आ गया है, वो तो बस गाड़ी उठाने में लगा हुआ है। दोस्तों क्या होगा अब शॉन का, ये हम देखेंगे 3 जनवरी संडे सुबह 10 बजे। तो दोस्तों अगर आप पार्ट 3 देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें।